हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल यानी मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आप सब ने होली खेल लिया होगा, अभी यूनिंग का टाइम है, अब पढ़ने का टाइम आ चुका है। सो प्लीज लैपटॉप खोलिए और अब स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। अगर मोबाइल पे देख रहे हैं तो लैपटॉप पे देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात, रेविट सॉफ्टवेयर ऑन कर दीजिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से रेनफोर्समेंट लगाते हैं, रेनफोर्समेंट कैसे लगाना है सिर्फ ये देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि स्टेयरकेस में रेनफोर्समेंट को एस्टिमेशन कैसे निकालते हैं उसका, कि कितना रीबार कितने का लगा, वो भी हम लोग देखेंगे, बट वो नेक्स्ट पार्ट होगा। यार मैं थोड़ा मींस एक एक दिन का गैप हो जा रहा है मेरे साथ, क्योंकि मुझे तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। अभी मेरे कॉलेजेस में सेमिनार चल रहे हैं, आप लोगों भी कि अगर आपको लगता है कि आपके कॉलेज में मैं सेमिनार देने आऊँ तो आप नीचे मुझे ईमेल आईडी और अपना लिख के कॉन्टेक्ट कर लेना और बता देना कि सर आप आइए हमारे कॉलेज में, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार करता हूँ कॉलेजेस में। तो इस समय जो भी चला है मेरा फुल टाइम वहीं पे से जा रहा है। तो थोड़ा सा अगर थोड़ा सा यूट्यूब पे हेल्प करेंगे आप लोग तो मैं ज़्यादा टाइम यूट्यूब को दे पाऊँ और सेमिनार को दूंगा और दूसरे काम को थोड़ा कम कर दूंगा, क्योंकि जब मुझे यहाँ से कुछ स्रोत मिल जा रहा है तो मैं दूसरे काम को कम कर सकता हूँ। चलिए वीडियो को देखिए, वीडियो को देखने के बाद मुझे बताइए कैसे वीडियो हमको लगा, प्लीज कमेंट करना और लाइक यार इतना करो कि कॉन्फिडेंस ऐसे अपने आप आ जाए कि नहीं यार कल भी वीडियो लेके आएंगे। सो प्लीज इतना करो और लोगों तक शेयर करो, क्योंकि शेयर करोगे तभी मजा आएगा मुझे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको स्टेयरकेस प्रोवाइड करना है और उसके अंदर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है तो सबसे पहले तो आर्किटेक्चर पे जाइए आप, इजी जस्ट स्टेयर्स पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप मोनोलिथिक स्टेयर ले लीजिए और एडिट टाइप कर दीजिए। यहाँ पे मैं मोनोलिथिक ही लेता हूँ हमेशा, और 6 इंचेस राइजर ट्रेड 9 इंचेस 3 फीट विड्थ दे दिया उसका। नॉर्मल तरीके से आप ड्रॉ कर दीजिए इसको, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट इस तरीके से फिक्स कर। अब अगर इसको 3D में देखेंगे तो इट लुक लाइक दिस, करेक्ट। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, बट इसके अंदर लैंडिंग तो है ही नहीं, ना इधर ना इधर। मेरे पास एक ड्रॉइंग है जो मैंने गूगल से डाउनलोड की है, देखिए अगर मुझे मेरे पास इस तरीके से स्टेयरकेस है तो देखिए कैसे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। यहाँ से आना है, ये जाना है रेनफोर्समेंट के लिए, और उसके बाद यहाँ से आके ये मिला देना है रेनफोर्समेंट, और एक यहाँ से जाके रेनफोर्समेंट ऐसे जाके इस तरीके से क्लिक कर देना है, करेक्ट। तो इस तरीके का अगर स्टेयरकेस बनाना है आपको तो पहले आपको ये लैंडिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए उसको बताते हैं किस तरीके से हम लोग प्रोवाइड करना चाहिए। अच्छा होगा किसी एलिवेशन में चले जाइए, आपको बहुत ईजी हो जाएगा। अच्छा मैंने लेवल 2 बना दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रेलिंग है, इसकी जरूरत नहीं, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ओके मैं ईस्ट एलिवेशन में नहीं, ईस्ट में अच्छे से नहीं दिख रहा है, साउथ में जाते हैं तो साउथ एलिवेशन में आपको प्रॉपर दिख जा रहा है इस तरीके से। क्या करना है, आर्किटेक्चर पे जाइए, कंपोनेंट मॉडर्न प्लेस, और यहाँ पे जाके आप स्टेयर्स ले लीजिए यहाँ से डायरेक्ट। ओके एक्सट्रूजन पिक अ प्लेन, ओके इस तरीके से प्लेन को हमने पिक कर लिया। और आप चाहे तो पहले यहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने राइजर को। तो हमने यहाँ पे लैंडिंग दी है 3 फीट की, लैंडिंग हमेशा उतना होता है जितना स्टेयरकेस का विड्थ होता है, ठीक है। तो आपको ज्यादा दिमाग में लगाना पड़ेगा, उतना याद कर लीजिए। ओहो 6 फीट कर दिया मैंने, तो इसको आप चेंज कर दीजिए या डिलीट कर दीजिए, यू कैन गो फ्रॉम हियर, जस्ट गो टू 3 फीट और इसको मिला दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। नाउ आफ्टर दिस जस्ट गो लाइक दिस, इसलिए आपको बस क्लिक करते जाना है इस पे, ध्यान से क्लिक करिए। अगर आगे पीछे जाते हैं तो सब, अगर आपने सावधानी हटी तो आपका दुर्घटना घट जाएगा। तो इजी होगा कि आप ध्यान से फोकस करिए इस पे, बहुत इजी हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा स्टेयरकेस बड़ा है, सो प्लीज वीडियो का लास्ट तक देखना तभी मुझे मजा आता है, क्योंकि आपको जब बड़ी वीडियो बनेंगे तभी एक्चुअली पूरा सही से टॉपिक कवर हो पाता है। अब यहाँ से हमने क्या किया, 6 इंचेस का अलग से हमने इसको 6 इंचेस लिखे और यहाँ से लिखे 3 फीट इस तरीके से। और अब डायरेक्ट आप यहाँ से क्लिक करिए, आपको इजी जाएगा, और
यहां तक क्लिक करिए और यहां से आप 3 फीट क्लिक कर दीजिए और फिर इसको मिला दीजिए। बहुत इजी काम है, कुछ भी ज्यादा बेस नहीं, बस उसके ऊपर चलना है और उसके बाद फिनिश मोड कर दीजिए इसको। ओके देखिए यहाँ पे ओपन लूप है तो बता रहा हूँ, एक मिनट हम इसको क्लोज कर देंगे। आप डायरेक्ट ऐसे यहाँ से ट्रिम कमांड से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप मिला देना इसे, कहीं भी इसका गड़बड़ रहेगा तो खुद ही नहीं बनाएगा वो। अब इसको इंड कितना फिट देना है हमको पता है, वेट कितना देते हैं हम लोग 3 फीट अप्लाई। ओके अब देखिए हमारी खुद की स्टेयर बन गई, अभी तक क्या था सॉफ्टवेयर टेस्ट ये था, हमने सॉफ्टवेयर वाला को डिलीट कर दिया कि वो हमें नहीं चाहिए। और अब मुझे इसके अंदर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, तो सबसे बेस्ट होगा कि सबसे पहले आप इसका इसका हम लोग काट लेंगे, कौन से लेवल पे था ये, आई थिंक ये लेवल नेक्स्ट लेवल पे है, मतलब कि इसके ऊपर वाले लेवल पे हमने लेवल इसका गड़बड़ बना रखा है। ये देखिए एक लेवल और हमको चाहिए, तो एक लेवल और के लिए आप यहाँ पे आर्किटेक्चर में जाके लेवल्स इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए, 10 फीट आपको लेवल्स देखने लगे। कभी कभी क्या होता है कि लेवल्स नहीं रहता है तो आपको प्रॉब्लम जाती है। देखिए इस तरीके से लेवल आ गया। अब व्यू पे जाइए और यहाँ पे जाके सेक्शन कमांड लीजिए और इस पर क्लिक कर दीजिए यहाँ से आ रहा, और इसको इस तरीके से हमने क्लिक कर दिया। देखना है इसको, डबल क्लिक करिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करना है, काफी लोग कई तरीके से अलग अलग तरीके से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, बट एक सिंपल जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने का तरीका है दैट इज दिस। तो हमेशा आपको इस तरीके से देखिए, इसमें स्पेसिंग भी लिखा हुआ है, ये वाला जो बार है इसका 110 का स्पेसिंग से और ये वाले बार का 150 का स्पेसिंग से, और यहाँ से देखिए ये आपका एक्स्ट्रा बार इस तरीके से गया हुआ। तो ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, नॉर्मल तरीके से जाना है। कैसे, सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर पे आइए और रिबार आप देने से पहले अगर चाहें तो आप इसको कवर दे सकते हैं। कितने का कवर देना होता है, 15 mm का, 15-20, तो हमें से मैक्सिमम 15 ही लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे स्टेयर केस डालिए, STAIR 15 mm, एंटर हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, रिबार पे जाना है और रिबार पे जाके ओके करिए इधर, और ज्यादा कुछ नहीं चाहे तो आप इसको भी लगा सकते हैं, बट मैं हमेशा स्केच को प्रीफर करता हूँ, तो स्केच रिबार, और उसके बाद क्लिक कर दीजिए यहाँ पे, और क्लिक करेंगे तुरंत आपको पाथ मिल जाएगा कहाँ कहाँ पे जाना है। तो हमने क्या किया, एक रिबार हमने यहाँ से उठाया और यहाँ तक आए और फिर यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चले गए यहाँ। रिबार का शेप जैसा मैं दे रहा हूँ उसी तरीके से, क्योंकि अगर जो शेप पहले से डिफाइन नहीं है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो शेप अगर आप देंगे तो बनेगा नहीं, ठीक है। सो प्लीज देखिए ये शेप था यहाँ पे, मुझे पता है ये शेप है, इसलिए मैंने वैसा ही शेप उसको दिया है। अब इसके बाद देख लीजिए आपके जैसे आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है, यहाँ से ऊपर जाना है इस तरीके से और यहाँ आ जाना है। तो अगर आप इधर से आ सकते हैं तो ऐसे भी आ सकते हैं, तो मैं वैसे ही आ जाता हूँ। तो रिबार पे गए हम लोग फिर से और स्केच रिबार क्लिक, देखिए मैं इधर से आऊंगा और यहाँ से आके यहाँ गया और डायरेक्ट यहाँ पे जाके मैं प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे राइट क्लिक कैसे, और इस तरीके से आपको यहाँ पे भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड हो गया। अब आपको कहाँ पे प्रोवाइड करना है रेनफोर्समेंट, यहाँ पे प्रोवाइड करना है ऐसे जाके, ये देख सकते हैं आप यहाँ से, एक मिनट मैंने कौन सा बना दिया, ये नीचे का बना दिया हमने, गलत कर दिया क्या, यस एक रेनफोर्समेंट मुझे ऐसे जाके ऐसे प्रोवाइड करना था, इसको डिलीट कर दो यार गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ से आके ये ऐसे मिलाना है, ओके ऊपर से आके तब मिलाना है, मैंने नीचे से उसको मिला दिया था, सॉरी रिबार, और इसके बाद यहाँ पे प्लेस कुछ है नहीं, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है और अगर आपकी नजरें तेज है तो आप गड़बड़ ही नहीं करोगे। और इसके बाद आप यहाँ से ऐसे क्लिक करेंगे ना आपको मिलता जाएगा कि यहाँ पे हम जा रहे हैं, और उसके बाद इस तरीके से मैं मिला दिया। अब मुझे पता है कि ये सेप भी है सॉफ्टवेयर के अंदर, तभी मैं ले रहा हूँ, जो सेप सॉफ्टवेयर के अंदर है उसी को लेना है, प्लीज चीज को ध्यान देना। अब इसके बाद लास्ट सेप आपका बचा हुआ है क्या, यहाँ से आना है ऐसे आके एक्स्ट्रा बढ़ा के नीचे आ जाना है। ओके तो हम लोग यहाँ पे गए, चलो डायरेक्ट पहले रिवाल ले लीजिए यहाँ से, और स्केच फिर से मैं प्रीफर करूंगा, यहाँ गए और यहाँ से जाके रेनफोर्समेंट इस तरीके जाना है, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और फिर ऐसे आ जाइए, डबल स्टेयर तक आते हैं हम लोग,
यहाँ डबल स्टेयर तक आ जाइए, आपको इनफ मिलेगा। देखिए ये सेफ है क्या इसके अंदर, अगर है तो तुरंत बना देगा वो, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। अब इनको रेनफोर्समेंट मतलब स्पेसिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो सॉफ्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे स्पेसिंग दिया है 1110 मतलब नियर अबाउट 4.5 इंचेस। तो क्या करना है, इसको सेलेक्ट करिए स्पेसिंग्स, जो भी आपको स्पेसिंग दिया है ड्राइंग का वो आप स्पेसिंग प्रोवाइड कर दीजिए। ये हो गया सेम 4.5 इंचेस, कई जगह पर आपको 150 का दिया रहेगा तो आप 150 ले लेना। और यहाँ पे जाके मैक्सिमम स्पेसिंग्स 4.5 इंचेस, और अब लास्ट में आइए, यहाँ भी नहीं हो गया, हाँ ये हो गया, तो कोई टेंशन ही नहीं। अब इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे आपको बार डालने हैं और वो प्रॉपर बार आपको दिखाना है। बार कैसे, ये देखिए यहाँ पे बार पड़े हुए हैं 1 2 3, इस तरीके से आपको बार काउंट कर लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने बार है, या तो आप स्पेसिंग से काउंट कर सकते हैं और फिर रिबार। अब आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से फर्स्ट शेप ले सकते हैं 0 0, और यहाँ से आप जाइए, मान लीजिए हमने यहाँ से रेनफोर्समेंट डालना स्टार्ट कर दिया, ये रेनफोर्समेंट हमने एक डाल दिया। रेनफोर्समेंट डालने के बाद इस रेनफोर्समेंट को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको एरे कमांड आता है तो बहुत इजीली, अदरवाइज कॉपी भी कर सकते हैं बट एरे से बहुत इजी हो जाता है। एरे कमांड लीजिए और लास्ट, और हमने यहाँ पे नंबर्स पता कर लीजिए कि कितने बार पड़े हुए, सपोज मेरे पास 20 बार है, तो मैंने इस कॉर्नर को सेलेक्ट किया। यहाँ से कॉन्स्टेंट मत ऑन रखना, कॉन्स्टेंट मतलब ऑर्थो की तरह होता है तो 90 में चलेगा तो आपको होगा नहीं, सो प्लीज इसको मत करो और यहाँ पे आ जाओ, प्रॉपर क्लिक कर दो, आपके 20 बार फटाफट लग जाएंगे, लग गए। आपको बार बढ़ाने घटाने बाद में आपने देखा कि काउंट बढ़ाने घटाने तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए उतने इतने बार हो जाएंगे, डन। अब कुछ बार आपको यहाँ पे 2-3 बार यहाँ पे हो सकते हैं, कितने बार देख लीजिए, पहले यहाँ देख लीजिए 2 बार यहाँ पे है और 1 2 3 यहाँ है और 2 पर है, ठीक है, मतलब 2 बार और लगाने हैं आपको। बहुत इजी, स्ट्रक्चर में जाना है, रिबार पे जाना है, देखिए कुछ भी टेंशन ज्यादा है ही नहीं कुछ। एक बार हमने यहाँ पे ले लिया स्पेसिंग, आप देख लीजिए क्या स्पेसिंग है, और एक बार हमने यहाँ पे ले लिया ऊपर आए, और यहाँ पे हमने 3 बार ले लिए 1 2 3, और यहाँ पे हमने 2 1 2, जो भी स्पेसिंग आपको दिया हो स्पेसिंग दे दीजिए। अब अगर इसको आप 3D में देखेंगे तो अभी तो ऐसे तो दिख रहा है, इसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी पड़ेगी। पहले में जिन्होंने ट्यूटोरियल पूरा देखा उसको पता होगा कि कैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते हैं, बाय एलिमेंट्स, और यहाँ पे जाके सरफेस ट्रांसपेरेंसी अप्लाई, ओके, ये देखिए पड़ गए बार, ये बार है और ये बार आपको प्रॉपर दिख रहे हैं इस तरीके से। तो आपको समझ में आया होगा, और कई लोग बोल रहे थे कि सर मेरे पास रिबार शेप नहीं आ रहे हैं, मीन्स रिबार का शेप मैं कर रहा हूँ तो आ ही नहीं रहा है, तो उसके लिए आप व्यू पर जाना, वहाँ पे दिखेगा आपको एक ऑप्शन रिबार शेप्स ब्राउजर, उसको क्लिक कर देंगे तो वहाँ से ऑन हो जाएगा, या तो फिर आप प्रॉपर्टी बॉक्स में जो रिबार शेप दिए हुए यहाँ से भी आप उसको ऑन कर सकते हो। फिर भी नहीं हो रहा है तो मुझे टेलीग्राम पे सेंड करना कि सर ये देखिए ऐसे ऐसे किया और फिर भी नहीं आया, तो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि देखना पड़ेगा कि आपके कौन से फंक्शन ऑफ है कौन से ऑन है, और मैं हेल्प आपकी जरूर कर दूंगा। और साथ ही साथ फिर से बोलूंगा, आप इसको लिंक्डइन, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सिर्फ एक शेयर कर दीजिए, एक शेयर करेंगे तो भी कई लोगों के पास पहुंच जाएगा, उससे हमारी फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। मैं और टाइम देना चाहता हूँ यूट्यूब को, बट यार सबको अपना फाइनेंस भी ओके रखना है, तो उसके लिए मुझे दूसरे काम भी करने पड़ जाते हैं, तो थोड़ा सा मुझे कम टाइम मिल पा रहा है, सो प्लीज़ इसको शेयर करो, 10K के ऊपर लेके जाओ। मैं मैनुअल स्टार्ट करता हूँ, और जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर आपको चाहिए कि आपके कॉलेज में मैं सेमिनार करूँ तो मेरे ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर देना, और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार का कोई भी अमाउंट मैं नहीं लेता हूँ, मुझे मजा आता है सेमिनार करने में, इसलिए मैं आपके साथ करियर काउंसलिंग्स और क्या हम कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग शेयर करते हैं। तो अगर आपको लगे कि आपके कॉलेज में आना है, मैं वैसे अभी प्रयागराज जा रहा हूँ मींस इलाहाबाद, तो उसके नियर बाय में अगर कोई कॉलेज आपका है तो आप फटाफट बोल सकते हो, तो आपके लिए फायदे की चीज़ हो जाएगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।